नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शर्मिजा। देश में लव जिहाद एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इसे लेकर बहस कोई नई बात नहीं है। हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश ऐसे राज्य हैं जहां से इन दिनों लव जिहाद के मामले सबसे ज़्यादा सामने आ रहे हैं। इन राज्यों की सरकार ने साफ कर दिया है कि लव जिहाद करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और इन राज्य सरकारों की ओर से नया कानून बनाने का भी प्रस्ताव दिया जा चुका है। अब मध्य प्रदेश सरकार ने इस पर बड़ा फैसला लेने का भी संकेत दे दिया है। गृह मंत्री ने यह साफ कह दिया है कि अगले विधानसभा सत्र में लव जिहाद को लेकर विधेयक लाया जा रहा है, जिसमें अब लव जिहाद करने पर 5 साल कारावास की सजा का प्रावधान रहेगा। एक तरफ जहां शिवराज के इस फैसले से कई लोग खुश हैं और उनके इस फैसले को सही ठहराया जा रहा है, तो वहीं कई ऐसे भी कट्टरपंथी सोच वाले लोग हैं जिन्हें सरकार के इस फैसले से काफ़ी चोट पहुंची है। और ये चोट अगर किसी को सबसे ज़्यादा लगी है तो वो है बॉलीवुड की अभिनेता मोहम्मद जीशान अयुब। जीशान को शायद सरकार का ये फैसला हजम नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने अपना दुख व्यक्त करते हुए एक ट्वीट किया, या यूं कहें कि इस फैसले का कड़ा विरोध किया है। जीशान ने अपने ट्वीट में लिखा, प्यार करने पर जेल जाना पड़ेगा या प्यार करने से पहले धर्म देखना पड़ेगा। घबराइए मत, नफरत करने पर कोई नहीं टोकेगा, बल्कि तालियां बजाई और बजवाई जाएंगी। लव जिहाद जैसे झूठ पर कानून बनाया जा रहा है, वाह साहब वाह। जीशान के इस ट्वीट के बाद लोगों में भी गुस्सा देखने को मिला है। जीशान के इस ट्वीट के बाद लोगों ने उनको लव जिहाद और धर्म परिवर्तन का असली मतलब बताया। शिवमदीप ने लिखा, एक्टर महोदया, प्यार करने पर जेल नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि प्यार करने का ढोंग करके इस्तेमाल करके फिर लड़की को छोड़ देने पर जेल जाना पड़ेगा। पूरी डिटेल पढ़कर ट्वीट करो, समझे। तो वहीं अनुज तिवारी ने लिखा, भाई साहब, प्यार के नाम में धोखा देकर धर्म बदलवाना और नहीं बदलने पर गला काट देना, मार डालना प्यार नहीं है। ये बॉलीवुड नहीं है जहां कुछ भी होता रहे और सरकार चुप बैठी रहे। राहुल लिखते हैं, प्यार और लव जिहाद दोनों बिल्कुल अलग बातें हैं, दूर दूर तक कोई कनेक्शन ना है। तू अपनी पिक्चर प्रमोट कर भाई, जिहाद हम संभालेंगे। तो वहीं विनय ने लिखा, भाई पहले पूरा कानून पढ़ लेते फिर ट्वीट करते, ये कानून जबरन धर्म परिवर्तन के लिए लाया जा रहा है और सभी धर्म पर लागू होगा, ना कि किसी धर्म विशेष पर। जय हो उड़ता तीर लेने वालों की। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं जब एजेंडा गैंग के मेंबर जीशान ने इस तरह का भ्रम फैलाया हो। इससे पहले वो और स्वरा भास्कर मिलकर CAA और जो आई नहीं है ऐसी NRC पर खूब भ्रम फैला चुके हैं और मुसलमानों को भड़का चुके हैं। अब उन्होंने लव जिहाद के खिलाफ आ रहे कानून पर ये काम करना शुरू कर दिया है। हालांकि उन्हें कोई भी राय रखने से पहले ये कानून पढ़ लेना चाहिए। लिबरल गैंग के मेंबर जीशान हमेशा ऐसे ही मुद्दों पर बोलते हैं जो उनके एजेंडे में फिट बैठता है। वो कभी देश के हित के मुद्दों पर बोलते हुए नजर नहीं आते। वैसे आपको बता दें कि जीशान अयूब ने भी हिंदू लड़की से ही शादी की है। हालांकि उन्होंने अपनी पत्नी के धर्म का पूरा सम्मान रखा है और उसे धर्म परिवर्तन के लिए उकसाया या जबरदस्ती नहीं की है। अभी भी उनकी पत्नी हिंदू ही है और वो अपने धर्म का पालन भी कर रही है। अब लोग कह रहे हैं कि हो सकता है कि जीशान का भी प्लान कुछ ऐसा ही हो और इसलिए उन्हें इस कानून का डर सता रहा है। वैसे जीशान अयूब को हम बता दें कि घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जैसे आपने बिना किसी खौफ के दूसरे धर्म के लड़की से प्रेम किया और उससे विवाह किया, ऐसा अभी भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी नीयत और इरादों में खोट है तो ये कानून ऐसे जिहादियों को सज़ा दिलाएगा और प्रेम के नाम पर जिहाद फैलाने वालों को सबक भी सिखाएगा। जीशान के इस ट्वीट पर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें। और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे वीके न्यूज़। धन्यवाद।